आप भी इस तरीके की कलरफुल टेस्टी पोहा घर पे बनाएं और खाएं, एंजॉय करें और सबको खिलाएं। तो इसका मतलब कि इसको बनाना बहुत आसान है, ये झटपट बन भी जाती है, 10 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ मैंने पोहा बनाने के लिए पोहे को मैंने 2 पानी धो के इसको रख लिया है। इसमें यहीं पर मैं इसमें सॉल्ट भी ऐड कर दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखिए, मैंने पोहा बनाने के लिए मैंने यहाँ बादाम लिए, मूँगफली लिए है, कच्चा है ये मूँगफली। यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च काट लिए, थोड़ी सी बारीक धनिया पत्ता, 2 मैंने छोटे छोटे प्याज काट लिए, आधा नींबू और थोड़ा सा कड़ी पत्ता लिया है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल गरम किया है, रिफाइंड तेल है यहाँ पर लिया है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग मतलब कि तेल यहाँ आप ले सकते हैं। तेल मेरा अच्छा खासा गर्म हो चुका था, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो प्याज मैंने काट के रखा था वो और हरी मिर्च दोनों ऐड कर दी हूँ। 1 मिनट भूनने के बाद यहाँ पे मैं कड़ी पत्ता भी डाल दी हूँ इसमें। तीनों एक साथ फ्राई कर लेंगे इसको हम हल्का सा। तो यहाँ देखिए, मेरा हल्का सा फ्राई हो चुका है। तो इसी स्टेज पे मैं यहाँ पे जो मूंगफली मैंने रखा था उसे भी हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्लेम यहाँ पे मैंने एकदम लो कर दिया है ताकि मूंगफली मेरा अच्छा फ्राई हो जाए, अंदर से कच्चा ना रहे थोड़ा भी। तो देखिए, यहाँ पे मैं धीरे धीरे से भून रही हूँ। यहाँ मेरा देखिए ऑलमोस्ट मेरा फ्राई हो चुका है। स्टेज पे मैं यहाँ पे हल्दी ऐड करूँगी। तो यहाँ देखिए, हल्दी डालने में कभी भी जो सूखा मसाला डालते हैं तो फ्लेम हमेशा लो कर दें, वरना मसाले जल जाते हैं, फिर टेस्ट बहुत ख़राब हो जाएगा, अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो यहाँ पे देखिए, मेरा हल्दी तुरंत फ्राई हो चुका था, सूखा था। तो यहाँ पे मैंने नींबू भी ऐड कर दिया और जो मैंने पोहा धो के रखा था उसे भी मैं यहाँ पर मिला दी हूँ। तो मिलाने के बाद इसको मैं मीडियम फ्लेम पे, यहाँ पे मेरा लो टू मीडियम फ्लेम है यहाँ पे। तो देखिए कलर कितना खूबसूरत आया है, इसे मैं भून रही हूँ इसको मैं धीरे धीरे। तो आप भी इसी तरीके से धीरे धीरे आंच पे भूने, क्योंकि पोहा तुरंत जल जाएगा। तो इसको देखिए, मैं ढक के इसको 1-2 मिनट और भूनूंगी। तो देखिए, यहाँ पे मेरा पोहा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो इसको मैं यहाँ पे धनिया पत्ता जो मैंने बारीक काट कर रखा था यहाँ पे मैं इसमें डाल दूंगी। और इसको मैं अब मैं सर्व करके दिखाती हूँ। ये बहुत टेस्टी, झटपट बन तो जाती है, बहुत टेस्टी भी लगती है खाने में और घर में सबको काफ़ी पसंद आती है। तो देखिए, यहाँ पे मेरा पोहा जो है बन के तैयार है। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे फ्लेम बंद कर दिया है, तो मैं इसको सर्व करके अब दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने प्लेट में इसे सर्व किया है। और इसको सर्व करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा जो तीखा खट्टा मिक्सचर रहता है उसके साथ मैं इसको सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो सेव के साथ, चाहे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे ही बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पर मैंने थोड़े से अनार के दाने लिए हैं, इससे देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है, कलरफुल लगता है और टेस्ट तो बढ़ ही जाता है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।